चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में, चूड़ी पहनो नमस्कार मित्रों, मैं हूं ईश्वर राणा, आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार। आज हम मौजूद हैं भराड़ीसैंण गैरसैंण में, जो कि आज विधानसभा सत्र चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर विपक्षी और कांग्रेस और कर्मचारियों द्वारा विधानसभा सत्र घेराव का कार्यक्रम भी रखा गया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। और आज विधानसभा सत्र चल रहा है यहाँ गैरसैंण भराड़ीसैंण में, और यहाँ पे ओपीएस की मांग को लेकर सभी कर्मचारी वर्ग विधानसभा घेराव के लिए पहुँच रखे हैं। और यहाँ पे जंगल चट्टी पे, और ये आज पुरानी पेंशन को लेकर सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव कार्यक्रम रखा है उन्होंने। और यहाँ पे जंगल चट्टी जगह पड़ती है, जो कि आज विधानसभा सत्र चल रहा है, उसी बीच कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे अपनी ओपीएस की मांग को लेकर यहाँ पे अपना पुरजोर से अपना शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पे चुस्ती दुस्ती से अपना कार्य निर्वहन कर रही है। और ये कर्मचारी जो कि एक डेढ़ घंटे से जो कि डटे हुए हैं, और अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, एक लाख रुपए हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, 900 रुपए पेंशन दे रहे हैं, हमको पेंशन चाहिए। विधायक और कहने वाले माननीय सांसद पुलिस वालों चाहिए। पुलिस द्वारा यहाँ पे बलपूर्वक यहाँ पे उठाने का प्रयास किया जा रहा है। हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, हम यहाँ बैठे किसी को कुछ हुआ सारा पुलिस मैं स्वयं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, मैं जिला का सुरेंद्र प्रयाग और रानी पेंशन करने घटते हुए कार्मिक सरकार के सामने रख रहे हैं। बहुत हमने कोविड के टाइम पर भी हमने लगभग 5 लाख रुपए का हमने राशन बांटा है, ये मुद्दा हमारा जीवन है, लेकिन सरकार पे इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता है। फिर भी कितने भी लोग हैं, लड़ाई होगी, करता हूँ जनपद रुद्रप्रयाग से शिक्षक 1100 है मेरे साथ, और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, शांति में बैठे हैं अपना बैठ के अंदर, और हमने किसी ने बोल दिया, कुछ हुआ मेरे बच्चे ने बोल दिया, मेरी सासू ने, मेरी ये पुरानी पेंशन, हमको यहाँ रोक दिया, पुरानी पेंशन के अलावा मुझे कुछ नहीं, मेरी सही चीज तो मैं बोल दिया, मुझे रोक दिया है तो राजीव भाई सब जगह ऐसे ही शहीद हो रहे हैं, हम कन भाई सही हो रहे हैं, मैं कन भाई फौजी मस्कर एक मैं मर रहा, शिक्षक मेरा अब सरकार मेरा शिक्षक मर रहा, मक्कन भाई जिंदाबाद, मक्कन भाई जिंदाबाद, मक्कन भाई बैरियर क्यों लगा रहा है, हम तौर से देख सकते हैं जंगल में बैरियर क्यों पेंशन जबरदस्ती है, खुदकुशी हम की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चाची डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब जब धामी डरता है पुलिस आगे करता है, और यहाँ पे आगे करता है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। आप देख सकते हैं
आप देख सकते हैं यहाँ पे अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे विधानसभा घेराव के लिए पहुँच चुके हैं। विधानसभा से पहले ही जंगल चट्टी में रोका गया है, जो कि पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में यहाँ पे बैरिकेड्स को फांदने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे दीवार और बैरिकेड्स को फांदने का प्रयास किया जा रहा है। दीवार फाड़ने और यहाँ पे बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे अनियंत्रित होकर ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है और ये यहाँ पे विधानसभा घेराव कार्यक्रम रखा गया है कांग्रेस द्वारा और यहाँ पे बैरिकेड्स लगाई गई है यहाँ जंगल चट्टी में और यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे बैरिकेड के ऊपर चढ़ करके यहाँ पे बैरिकेड्स तोड़ने का और यहाँ पे पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से खड़ी है, लेकिन अधिक संख्या में होने के कारण यहाँ पे और यहाँ पे ये पुलिस प्रशासन द्वारा दो बैरिकेड्स लगाई गई थी, इसमें से एक को फांदने का प्रयास करके और उसमें फांद चुके हैं और दूसरी बैरिकेड यहाँ पे लगाई गई है जालीदार, तो उसे भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा। और ये विधानसभा घेराव के लिए यहाँ पे निकलने पड़े हैं यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पर यही विधानसभा भरारी सैंड से पहले ही पुलिस प्रशासन पर यहाँ पे जंगल चट्टी जगह पड़ती है, यहीं पे इन्हें रोका गया था, पर लेकिन अधिक मात्रा में यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं और बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन सुस्ती से अपना कार्य कर रही है। और आगे बता दें कि आगे एक बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा और ये बैरिकेड्स को तोड़ दिया है इनमें आगे यहाँ पे बैरिकेड्स तोड़ चुके हैं यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता। पहला दिन है विधानसभा भारी श्रेणी का, उसको और यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगातार तीन बैरिकेड्स तोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं और विधानसभा घेराव के लिए जो
और ये बैरिकेड तोड़ करके विधानसभा की ओर निकले हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, और यहाँ पे बैरिकेड्स को भी तोड़ करके आगे निकल चुके हैं। और ये कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे ही विधानसभा की ओर जाते हुए, और यहाँ पे जंगल चट्टी में बैरिकेड तोड़ करके अभी भराड़ी सैंड के लिए निकले हैं यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता। और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पे भराड़ी सैंड की ओर निकले हैं, जो कि बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे निकले हैं। और अभी विधान तीन बैरिकेडिंग उनके द्वारा तोड़ी गई है, और भराड़ी सैंड की ओर यहाँ कूच कर चुके हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। सरकार के सारे गेट तोड़ दिए आज। सर आज यहाँ पे आप विधानसभा घेराव के लिए पहुँच रखे हैं? हाँ, विधानसभा घेराव के लिए आए थे। उत्तराखंड राज्य के अंदर पहाड़ के लोगों का अपमान करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। अंकिता भंडारी का मामला सबके संज्ञान में है। वीआईपी का नाम नहीं बता रहे हैं। वो वीआईपी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है या वो वीआईपी कोई स्टेट गवर्नमेंट का है? पुलिस फेल हो चुकी है, सीबीआई जांच नहीं कर रही है। अभी बच्चों के ऊपर रोजगार, बेरोजगार बच्चे रोजगार मांग रहे थे, जिन्होंने इनकी सरकार भी बनाई, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, उनका खून बहाने का काम कर रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में यह विधानसभा घेराव कार्यक्रम था, आने नहीं दिया गया। हम सब लोगों को जगह जगह रोक रखा है, गाड़ियां नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन ये ताकत है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, राहुल गांधी के सिपाहियों की, जो सबको तोड़फोड़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पूछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार का एक साल भी पूरा होने जा रहा है, किस तरीके से इस एक साल के कार्यकाल को आप देखते हैं? ये भर्तियों में घोटाला, अंकिता हत्यारों को बचाना, अंकिता के हत्यारों को बचाना, और बहुत सारे सवाल हैं। सड़कें रो रही हैं, बिजली पानी और हाउस टैक्स आसमान की तरफ बढ़ रहा है, महंगाई सरकार, महंगाई और बेरोजगारी सरकार की पहचान बन गई है। तो ये है ये सरकार, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से प्रदेश भर में ये जो युवा आज सड़कों पर है, कि किस प्रकार से परीक्षाओं में भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। युवा सीबीआई जांच चाहते हैं, साथ ही अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ उसमें अभी तक न्याय नहीं हो पाया है, उसके भी न्याय के साथ महंगाई बेरोजगारी तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर है और आज विधानसभा घेराव कर रही है। धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।